दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। IPL 2020 के 13वें सीजन का 28वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइजर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होगा। ये मुकाबला काफ़ी ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि लगातार दो करीब मैचों में से जीत से आत्मविश्वास से भरी कोलकाता नाइट राइजर्स की टीम सोमवार को इंडियन IPL में विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के खिलाफ मैच में इस लय को बरकरार रखना चाहे। दोनों टीमों में नाम 6 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक पे, लेकिन बेहतरीन नेट रन नेट के कारण KKR तालिका में RCB से ऊपर है। KKR और RCB दोनों की परेशानी बल्लेबाजी है। इन टीमों के मुख्य बल्लेबाज लय बरकरार रखने में नाकाम रहे। KKR ने हालांकि चेन्नई सुपर किंग 11 पंजाब के खिलाफ पिछले 2 मैचों में आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी से मैच का पासा पलटा है, जिससे टीम का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। वही RCB के खिलाफ गेंदबाजी ये लय बरकरार रखना चाहेंगे। कप्तान कोहली की दमदार बल्लेबाजी से शनिवार CSK को देने के बाद RCB की कोशिश भी जीत के लय बरकरार रखने की KKR के। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है शॉट लगाने वाले अर्धव रसल की उपलब्धता होगी, जो शनिवार को पंजाब के खिलाफ मैच में कैच लेने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। कप्तान दिनेश कार्तिक ने हालांकि मैच के बाद उनकी चोट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि जब रसल चोटिल होते हैं तो टीम की मुश्किल बढ़ जाती है। वही विशेष बहुत विशेष खिलाड़ी हैं, हमें देखना होगा कि उनका ध्यान रखना होगा। जी हाँ, बात की जाए KKR के कार्तिक का लय आना संभव संकेत है, जिन्होंने पंजाब के खिलाफ 29 गेंदों पर 28 रन के शानदार पारी खेली थी। सलामी बल्लेबाज शुभम गिल को बरकरार रखना चाहेंगे। सुनील नवीन की जगह पारी का आगाज कर रहे राहुल SK के खिलाफ 81 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चल पाया था। नितेश राणा और इंग्लैंड के कप्तान मोगल लगातार अच्छी बल्लेबाजी करने में विफल रहे। शुरुआत मैचों में लचकर बल्लेबाज करने वाली कोहली के लय में आने से RCB की बल्लेबाजी को बल मिला है। वही इस 31 साल के खिलाड़ी ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 43 रन और फिर CSK के खिलाफ 90 रन खेली थी। वही सलामी बल्लेबाज देवदत्त पार्टिकल को छोड़कर दूसरे बल्लेबाजों में ही कर रहे हैं। जी बात की जाए अर्चन फिंच और RCB डिविलियर्स लय हासिल करने के लिए जुटते दिख रहे हैं। वही गेंदबाजी में शानदार लय में दक्षिण अफ्रीका। बात की जाए कोलकाता नाइट राइजर्स के संबोधित खिलाड़ी कौन कौन से आज खेलेंगे, तो बात की जाए दिनेश कार्तिक कप्तान, अर्धव रसल, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, नितेश राणा, रिंकू सिंह, संदीप शिवम मावी, कमिश वरुण चक्रवर्ती, राहुल टेपटरिया, क्रिस गेंद, एम सिद्धांत जैसे खिलाड़ी होंगे। जी हाँ, बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के संबोधित खिलाड़ी, तो आज विराट कोहली कप्तान, RCB डेवलर्स पटेल, आवज फिंच, जोस फिलिप, क्रिस मैरिस, मोहम्मद अली, मोइन अली, मोहम्मद अहमद, देवदत्त पार्टिकल, नबीस सैनी, डेव स्टोर्ट, पवन नेबी, शिवम डूबे, उमेश सुंदर, पवन देश पांडे, एम जैसे। IPL 2020 का 28वां मैच है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, ये आप कमेंट में ज़रूर बताओ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।